तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। खबर मध्य प्रदेश के बडनगर से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अतिवृष्टि से किसानों की बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा शांति कुश परिसर से रैली के रूप में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कोर्ट परिसर पहुंचे, जहां पर उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन भी रहे साथ में मौजूद, एवं साथ ही साथ किसानों को संबोधित किया गया। वह कहा गया कि किसानों की हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी निरंतर लड़ती आई है एवं साथ ही साथ हमेशा भी लड़ती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि हमें जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे। एसडीएम एकता जायसवाल को राज्यपाल के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। साथ ही साथ उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन द्वारा प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे, वरना किसानों के साथ शलावा करना करे बंद। जनता की बिजली बिल 40,000 से लगभग ऊपर आ रहा है, किसान परेशान है, बेहाल है, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। देखें पूरी खबर तहलका इंडिया न्यूज पर। बडनगर से महेश सोनगरा के साथ। आपने ज्ञापन दिया है, प्रदेश में किसान दुखी है, किसान दुखी के पूरी तरह से चौपट हो रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार कमलनाथ की सरकार ये कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है और उस कारण भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ पूरे प्रदेश व्यापी ये धरना आंदोलन किया है और राज्यपाल के नाम पर एक ज्ञापन दिया है कि हमारा किसान का पूरी तरह से जो सोयाबीन की फसल आज चौपट हुई है और तो पानी के भराव के कारण जो फसलें अफलन की स्थिति भी हुई है उसके कारण हमको मुआवजा राशि दी जाए। और हमारा जो पिछली बार जिसने वचन में कहा था कि किसानों को 2 लाख रुपये तक की राशि का कर्जा हम माफ़ करेंगे, लेकिन अभी तक कमलनाथ की सरकार ने किसानों का कर्जा नहीं माफ किया है। साथ में हमारे जो किसानों की जो मुआवजा की राशि के साथ साथ में जो बोनस की राशि दी थी की भी बात कही थी कि 500 रुपये कुंटल सोयाबीन पर बोनस देंगे, लेकिन उसमें भी हमारे किसानों का बोनस नहीं आया है। चने की खरीदी पर, गेहूं की खरीदी पर किसी भी प्रकार से किसानों की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और जो है हमारी सीधी सीधी मांग है कि किसानों की जो फसल चौपट हुई है उसका मुआवजा राशि दी जाए और बीमा राशि भी दी जाए। ये सबसे बड़ी हमारी अगर नहीं मिलती है तो क्या बड़ा आंदोलन किया जाएगा? इसके बाद भी अगर ये तो अभी ये अंगड़ाई है, आगे और बड़ी लड़ाई है और किसान पूरी तरह से मैदान में है। हमारा किसान जब तक धरती पर किसान दुखी रहेगा, तूफान रहेगा, इस प्रकार से हमारा किसान आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।